जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय। साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आने वाला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जो मसला इस देश की राजनीति को, इस देश की धार्मिक सौहार्द को, इस देश के भाईचारे को प्रभावित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है, और उस मुद्दे पर बहुत सारे चुनाव में राजनीतिकरण किया गया उस मुद्दे का। हमें नहीं पता वहां पर राम मंदिर था या बाबरी मस्जिद थी, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है, वो लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए लेकिन उनकी याचिका पे सुनवाई नहीं हुई, कि वहां पर साकेत नगरी होती थी अयोध्या से पहले, जब कुशमित्र सुंग ने बौद्ध संस्कृति को समाप्त करने का काम किया और अपने आप को राजा घोषित करके अयोध्या को अपनी कर्मस्थली बनाया, जो रामायण में जिक्र जिस राम का आता है। लोग कहते हैं कि वो कुशमित्र सुंग थे जिन्होंने ये सारा जो आज आपके सामने इस देश में दिख रहा है, इन सारी चीज़ों की रचना, वेद शास्त्र वगैरह ये सब कुछ अपने ढंग से लिखवाने का काम किया। और जब वहाँ खुदाई होती है तो वहाँ पर तथागत बुद्ध की प्रतिमाएं, उनके अंश मिलते हैं, और वो सत्यापित करता है कि वहाँ पर साकेत नगरी बौद्ध विहार होता था। साथियों, इस देश में आप चले जाओ, जितने भी पुराने पुराने जो संस्थान हैं, बहुत सारी जगह बुद्ध की प्रतिमाएं निकली हैं। पुरातत्व विभाग ने वो आंकड़े साझा नहीं किए लोगों से, लेकिन सत्य जो है वो हजारों वर्षों के बाद भी सत्य रहेगा, और बुद्ध की जो संस्कृति है वो पूरी दुनिया में है। जब देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमने दुनिया को बुद्ध दिया, युद्ध नहीं दिया, लेकिन जब इस देश की बात आती है तो यही लोग, राजनीतिक लोग, बुद्ध को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करके दूसरी चीज़ों को स्थापित करने की यहाँ प्रयास करते हैं। लेकिन साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर वहाँ पर मस्जिद बनती है तो इस देश के आवाम का क्या फ़ायदा है? अगर वहाँ पर मंदिर बनता है तो इस देश के आवाम का वहाँ पर मंदिर बनने से क्या फ़ायदा है? और स्पेशली जो लोग जय श्री राम के नारे के साथ लोगों को मारने का काम करते हैं, चाहे वो SC हो चाहे OBC हो, अगर वहाँ राम मंदिर बनता है तो OBC के लोगों को क्या मिलेगा, मुझे समझ में नहीं आता, और SC के लोगों को क्या मिलेगा, मुझे ये भी समझ में नहीं आता। हाँ, ये समझ में ज़रूर आता है कि वह हजारों ब्राह्मण लोगों को रोज़गार ज़रूर मिलेगा अगर वहाँ राम मंदिर बनता है तो। और सबसे पहली जो प्राथमिकता के आधार पर बनती है जिम्मेदारी, तो ब्राह्मण समाज को वो लेनी चाहिए, सबसे आगे ब्राह्मण समाज को खड़ा होना चाहिए, क्योंकि उनके पूर्वजों से ये जुड़ा हुआ सिस्टम है। लेकिन SC ST OBC और जो माइनॉरिटी के लोग हैं, इन लोगों को समझना चाहिए कि देश के हालात आज उस दिशा में चले गए हैं जो हम कभी सोच नहीं सकते। आज इस अखंड भारत के सौहार्द को, भाईचारे को, और जो बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से चले, संविधान से चले, आज उन सारी चीज़ों पे कुठाराघात हो रहा है। तो आज हमें समझने की ज़रूरत है, इस देश को बुद्ध की ज़रूरत है, संविधान की ज़रूरत है, जिससे देश में अमन और चैन स्थापित हो सके। साथियों, मेरा ये वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो सिर्फ इतना है कि आदमी आदमी का दुश्मन ना बने, भाईचारा और अखंड भारत जो सम्राट अशोक ने बनाया था, उस अखंड भारत की स्थापना इस देश में हो, और हर व्यक्ति एक व्यक्ति से प्रेम करे, संविधान पे आधारित यहाँ की सरकारें काम करें, लेकिन यहाँ की सरकारें एक विशेष वर्ग को छोड़ करके सभी जाति और धर्म के लोगों के साथ भेदभाव करने का काम करती है। साथियों, जब तक हम लोग इस तरह की मानसिकता में बटे रहेंगे,
तब तक अखंड भारत नहीं हो सकता। अगर अखंड भारत को अखंड भारत बनाना है तो हमें इस भारत में बुद्ध के दर्शन को घर घर तक पहुंचाना होगा। बुद्ध की जो वैचारिक सोच थी, जो तथ्यों पर आधारित वो बात करते थे, उस बात पर आधारित समाज का निर्माण करना होगा साथियों। तब जाकर के कहीं ना कहीं भारत का निर्माण होगा। आज भारत खंड खंड होने के कगार पे है, देश की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, देश में कहीं भी स्थिरता नहीं है, हर जगह अस्थिरता है। और ऐसे माहौल में हम लोग जी रहे हैं कि पता नहीं कब किस मुसलमान भाई की मॉब लिंचिंग में हत्या हो जाए, किस दलित भाई की दूसरे भाइयों के हाथों से हत्या हो जाए, कब क्या हो जाए, हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ऐसे भारत का निर्माण करना है जहाँ पर मानवता शर्मसार ना हो, जहाँ पर बुद्ध के पांच जो सिल हैं तथागत बुद्ध के, उन पे काम हो सके और इस देश को महान बनाने के लिए महान लोगों को, जो वैचारिक लोग हैं, जो दार्शनिक लोग हैं, उनको देश की राजनीति में लाया जाए। अब दिल्ली का चुनाव भी आने वाला है ना, एक तरफ देश का चुनाव होता है, एक तरफ दिल्ली का चुनाव होता है। तो ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये संविधान के प्रति कटिबद्ध होनी चाहिए और देश के प्रत्येक नागरिक के प्रति देश की सरकारों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उसका रहने का, रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा और चिकित्सा की जिम्मेदारी देश की सरकारों की देश के नागरिकों के प्रति होनी चाहिए। और आपस में समन्वय, भाईचारा बना रहे, देश विकास के पथ पर आगे बढ़े, ऐसा हमारा मानना है कि ऐसा होना चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।